और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के घर पहुंचे थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं, सौजन्य भेंट कर कई अहम विषयों पर चर्चा की गई है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, क्या जानकारी, जिस तरह से मुलाकात हुई है सीएम की पूर्व सीएम के साथ? नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के घर पहुंचे थे सौजन्य मुलाकात, इसे उन्होंने बताया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि अपने 15 साल की भाजपा शासन काल का अनुभव भी उन्होंने साझा किया और नई सरकार को बेहतर कामकाज के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो एक तरह से कामकाज की शुरुआत करने के पहले बेहतर मार्गदर्शन के लिए इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के लिए, और कहीं ना कहीं इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का सत्र भी है और मंत्रिमंडल का गठन जैसे कई बड़े काम करने हैं। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री पहुंचे तो बेहद महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं एक अच्छा बेहतर संदेश देने की कोशिश भी है। जी, तो बेहतर संदेश देने की कोशिश है और बेहतर दिशा निर्देशन एक तरह से कह सकते लिया गया। लेकिन ये भी जानकारी गौरव आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कल भी प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो कल इसकी तैयारियों को लेकर भी क्या हो सकता है चर्चा हुई होगी? निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाने अगले कुछ दिनों के भीतर, मंत्रिमंडल का गठन किया जाना है, विधानसभा का सत्र है, प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण के बाद में फिर विधानसभा में ये माना भी जा रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह भी नई भूमिका में हो सकते हैं विधानसभा में। तो कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर जो नए मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री, उनकी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से चर्चा हुई और कहीं ना कहीं सारे विषयों से अलग एक बेहतर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश जो है, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश जो है वो अधिक नजर आती है इस मुलाकात में। बिल्कुल, तो एकजुटता का संदेश और कह सकते हैं कि बेहतर मार्गदर्शन के लिए भेंट मुलाकात सौजन्य रूप से हुई है। शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए।